शहबाज शरीफ चाहते थे नया आर्मी चीफ लगाने की बजाय जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए। नदीम मलिक और शाहिद खाकान अब्बासी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सारा फसाद सिर्फ एक एक्सटेंशन की वजह से शुरू हुआ था। आपके जरिए भी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया गया था। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने कोई पैगाम देने का नहीं कहा था। नदीम मलिक ने कहा, जब नवंबर 2022 में एक्सटेंशन का मामला चल रहा था तब आपका नाम ECL से स्पेशल निकाला गया और फिर आप नवाज शरीफ से मिलने लंदन गए। आपने उनको उधर जाकर क्या कहा था? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुझे किसी ने जाने का नहीं कहा था। जब मैंने एक्सटेंशन की बातें सुनी तो मैं अपने तौर पर गया था और नवाज शरीफ को कहा था कि बिल्कुल एक्सटेंशन मत दीजिएगा, लेकिन वो पहले भी अपना माइंड बना चुके थे। नदीम मलिक ने कहा, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शहबाज शरीफ तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे और इस बात को सपोर्ट कर रहे थे। नवाज शरीफ को भी यही मैसेज भेजा गया था। आपकी पार्टी के 4 लोग लंदन भी गए नवाज शरीफ को मनाने के लिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अब छोड़ें ये बातें, जो फैसला हुआ वो दुरुस्त है। ये बाजवा साहब के लिए भी बेहतर है, फौज के लिए भी बेहतर है और इस मुल्क के लिए भी बेहतर है।